Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Can you hear me? आवाज आ रही है? Are you able to see my screen? Screen दिख रहा है? Please reply. अच्छा अच्छा हुआ कल afternoon में वेबिनार नहीं रखा, because it was very volatile. अरे हाँ, sometimes थोड़ा मार्केट से दूर रहना भी किसी दिन अच्छा होता है. किसी दिन मार्केट से दूर रहना भी अच्छा होता है. यस और नो? वन साइडेड रैली था कल. वन साइडेड रैली नहीं, उसको फॉल बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और हाँ, लेकिन इतना तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना मिस्टर अंसर, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया है. कल तो बहुत सारे लोग फंसे हैं, ट्विटर पे वगैरह पे भी कई लोग फंसे हैं. 15,500 के आसपास, 15,600, 15,500 के आसपास कई लोगों ने लॉन्ग किया था. इनफैक्ट मैंने भी लॉन्ग किया था. 15,500, 15,480 पे मैंने लॉन्ग किया था कल. 15,480 पे लॉन्ग किया था मैंने, फिर भी मैंने लॉस किया. सोचो, 15,480 पे लॉन्ग करने के बाद भी मैंने लॉस किया 100 पॉइंट का. तो कल ये हालत था. ठीक है, एनीवेज कल शाम को थोड़ा अच्छा ट्रेड मिल गया नेचुरल गैस में, तो इसमें थोड़ा बहुत रिकवर हो गया. वरना कल तो नेट ऑफ में लॉस में निकलते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रॉफिट जो है वो उसमें वाइप आउट हो चुका है. हाँ, थोड़ा मैंने क्वांटिटी कर दिया था इसीलिए. बट बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी मिला अभी मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी मिला आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई. बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी मिला आप लोगों को? एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे भाई, क्यों, क्या हुआ? बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी आप जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो क्या मिस्टर आशीष? किस में ट्रेड कर रहे हो आप? जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए ऐसा एरर आएगा. आप है ना, एक काम करो, मैं आपको है ना, एक मिनट, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी इसके लिए ना, आप ये कर लो, इसमें चेंज कर लो, अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर लो. फ्री अकाउंट है, क्योंकि इसमें सारे स्ट्राइक प्राइस अलाव रहते हैं. 34,000 का कॉल सिर्फ, नहीं, हम लोगों ने रेंज के हिसाब से किया है. पहले मुझे रेंज बता दो, नेट ऑफ प्रीमियम बता दो, पहले मुझे ये कैलकुलेट करके बता दो. चलो, रेंज बता दो और नेट ऑफ प्रीमियम बता दो. तो कैलकुलेशन करके बता दो तो इजी रहेगा, और कुछ नहीं. बट ये थोड़ा और खराब, मतलब बहुत ज्यादा. कल तो इतना भी बाउंस नहीं किया है, और वीकली, अगर आप वीकली कैंडल देखो ना, कल वीकली का चार्ट देखो, तो एक वीक में इसने 1,300 पॉइंट दे दिया है, ये ब्रेकडाउन दे दिया इसने कल. ये निकल जाएगा, मतलब और लग रहा है नीचे, नीचे में कुछ भी आ सकता है. ऐसा है, 750 मिनिमम, 750 मतलब प्रॉफिट है कि 750 लॉस है? चेक कर लो एक बार जरा, 750 प्रॉफिट है. हाँ ठीक है ना, फिर बराबर तो है कैलकुलेशन. रेंज भी ठीक है, 30,800 से लेके 34,100, नीचे का रेंज ठीक है. रेंज एक्चुअली थोड़ा कम आ रहा है ना, लेकिन 1,800 पॉइंट रेंज नहीं आ रहा है, रेंज थोड़ा कम आ रहा है. चेक करो एक बार, आपका रेंज थोड़ा कम आ रहा है मेरे हिसाब से. रेंज थोड़ा और ज्यादा आएगा, 30,800 नहीं आएगा,
आई थिंक 30,500 तक आएगा रेट, चेक करो जरा, ऊपर में 34,400 तक आएगा, चेक कर लो जरा रेंज, रेंज एक बार चेक कर लो आप। सर पीवी मूर्ति एक बार रेंज चेक कर लो। नहीं रेंज चेक करो, रेंज एक बार रेंज चेक कर लो, क्योंकि ये उतना आएगा लग रहा है। नहीं रेंज कितना आ रहा है? 30,600 तक आ रहा है ना? अच्छा ठीक, ऊपर का भी रेंज एक्सटेंड होगा, 34,400 के आसपास होगा, चेक कर लो एक बार जरा, कैलकुलेशन बराबर कर लो, चेक कर लो एक बार, ऊपर का भी रेंज है ना ये रहेगा, चेक कर लो। ये वीकली पे डाउन ट्रेंड में चला गया है, देखो ना वीकली पे डाउन ट्रेंड में चला गया है, और ब्रेक डाउन भी दे दिया है, पर निफ्टी थोड़ा खराब लग रहा है वैसे, वीकली पे डाउन ट्रेंड में चला गया है। दिख रहा है ना? थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद ट्रेड लेंगे, पहले मुझे बैंक निफ्टी क्लेरिफाई कर दो ना, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी क्लेरिफाई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी मुझे पहले क्लेरिफाई कर दो। इट्स अ क्रेडिट स्ट्रेटजी, ठीक है, क्रेडिट आ रहा है 750 रुपये, कुछ क्रेडिट आ रहा होगा, सही है, ये कैलकुलेशन सही है, और क्रेडिट स्ट्रेटजी है, बराबर है। स्क्रीन है वो गया, वेट अ मिनट, क्रेडिट स्ट्रेटजी है, बराबर है,
इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज हो गया। और ये क्लोज कर देता हूँ इसको, ये सब को पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ चुका है, क्लोज कर देता हूँ। अपसाइड रेंज कम है, अपसाइड रेंज कम है क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया ना, इसलिए आपको थोड़ा अपसाइड रेंज कम लग रहा है, बट थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यहाँ से कुछ ये होने वाला, यहाँ से रिकवरी का साइन तो एक्सपेक्ट मत करना है, यहाँ से रिकवरी तो लग नहीं रहा है, रिकवरी का साइन एक्सपेक्ट मत करना है यहाँ से। हर बाउंस पे शॉर्ट आ रहा है, करेक्ट, वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन है ना, हर बाउंस पे शॉर्ट आएगा ही आएगा, देखो ना वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन है तो हर हर बाउंस पे शॉर्ट आना ही आना है, ऐसा है। जब तक ये वीकली पे चार्ट पे सुधार नहीं आएगा ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, तो थोड़े दिन एक्चुअली कमोडिटी करे तो ज्यादा बेटर है, सेफ है, थोड़े दिन अगर कमोडिटी करेंगे ना वो ज्यादा सेफ है। ले लिया स्ट्रैटेजी, ले लिया, पहले मुझे ये बताओ स्ट्रैटेजी कर लिया आप लोगों ने, स्ट्रैटेजी कर लिया ट्रेड, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ट्रेड ट्रेड लेने में थोड़ा वेट ही करेंगे क्योंकि वो ज्यादा समझदारी है, थोड़ा सा वेट ही करेंगे। रिलायंस बहुत फास्ट ऊपर आया, आवरली कैंडल क्लोज होने दो, रिलायंस बहुत फास्ट ऊपर आया, रिलायंस है जिसके कारण निफ्टी ऊपर आया, वरना तो ऊपर आता भी नहीं था। बजाज फिनसर्व, फिनसर्व है, टाटा स्टील है, बजाज फिनसर्व, रिलायंस ऊपर आया है, टाटा स्टील आने की ट्राई कर रहा है, इंडाल को आने का ट्राई कर रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील आ रहा है, बजाज फिनसर्व आ रहा है, फिनसर्व तो ठीक है, फिनसर्व तो लेना ही नहीं है, सिर्फ एक रिलायंस है जो आ रहा है भाई में, और तो कोई भाई लग ही नहीं रहा। पर ये वीकली चार्ट बहुत खराब है, मैं कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ये, मतलब कल तो इतना बाउंस ही नहीं दिया, वीकली चार्ट बहुत ज्यादा खराब है इसका, कुछ मतलब नहीं है, अभी तो एंट्री करके कुछ मतलब नहीं है एक्चुअली, सिर्फ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ट्रेड करो, 10 बजे बाद कोई स्टॉक मिलता है तो देखते हैं, प्योरली इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक मिलता है 10 बजे बाद तो देखेंगे, अभी फिलहाल तो ट्रेड लेके कुछ मतलब नहीं है। ये वीकली चार्ट के हिसाब से ना कुछ भी आ सकता है, एक्चुअली ऐसा है, 13,600 तक का भी टारगेट आता है इसमें, 13,600, 14,000 एंड 13,600, ये भी टारगेट आता है, सपोर्ट इंफोसिस, इंफोसिस का पता नहीं, लेकिन निफ्टी ने वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन दिया है, और ये मतलब नीचे कुछ भी आ सकता है, 14,000 तक भी आ सकता है, 13,600 भी आ सकता है, इतने नीचे टारगेट्स आ रहे हैं, नीचे में कुछ भी आ सकता है, इससे अच्छा बेटर है कि थोड़ा वेट करो, वो ज्यादा बेटर है, सिर्फ एक रिलायंस है जो बाय आया है, बाकी तो कोई बाय नहीं है, सिर्फ एक रिलायंस है।
दिख रहा है? मिस्टर आशीष, मिस्टर धीरज, कैन यू हियर मी? हाँ, सिर्फ रिलायंस बुलिश है और कोई स्टॉक बुलिश नहीं है। रिलायंस के वजह से ही निफ्टी खींच रहा है और रिलायंस के वजह से ही बैंक निफ्टी खींच रहा है, ठीक है। ओवरऑल ब्रॉडर व्यू अभी भी बेरिश है, लॉन्ग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सिर्फ एक रिलायंस थोड़ा सा बुलिश है, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ होगा, चेक कर लो जरा। बहुत फास्ट मूवमेंट आ रहा है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इस बार मार्जिन कम लगा है, इस बार मार्जिन कम लगा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट मार्जिन ज्यादा लगना चाहिए बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, पर आपको प्रीमियम थोड़ा ये आया होगा, रिसीव ज्यादा आया होगा, वो भी कैलकुलेशन होता है और रेंज के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। क्रूड ऑयल बाय लग रहा है, क्रूड ऑयल आएगा बाय। कल भी मैंने बाय दिया था, नीचे गया फिर बाद में वापस ऊपर आ गया। निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, सॉरी, निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, निफ्टी नहीं लग रहा है सस्टेन करता हो। आई थिंक मेरे हिसाब से कॉमोडिटी ज्यादा सेफ है अभी फिलहाल तो, क्योंकि इक्विटी में तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है, कॉमोडिटी थोड़ा ज्यादा सेफ लग रहा है। इसमें परफेक्ट क्रॉसओवर हो रहा है क्रूड ऑयल। कोई बाइंग के लिए स्टॉक है नहीं, वेट करो, सिर्फ रिलायंस है और कुछ नहीं है, सिर्फ रिलायंस है बाई में और कुछ नहीं है। मिस्टर आशीष, एक्चुअली कल का जो फॉल है ना, कल का जो गैप डाउन है और जो जो सेलिंग आया है, उसके वजह से डेली चार्ट और वीकली चार्ट सब बिगड़ चुके हैं। अब आप 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट देख के कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका आप डेली चार्ट वीकली चार्ट देखो ना तो बहुत जबरदस्त फॉल आया है। ये देखो ना, निफ्टी का वीकली चार्ट कितना बिगड़ चुका है, देखो निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा मार्च 2020 का जो पैटर्न था ना, वैसा बन रहा है, और ये नीचे में कुछ भी आ सकता है। इस मतलब इसके लिए जगह बहुत ओपन है नीचे में, देखो यहाँ पे नीचे में ये वर्स्ट केस में ये भी आ सकता है 12,500, ये भी पॉसिबल है।
यही ब्रेकआउट लेवल था, अगर आपको याद है ना, यही ब्रेकआउट लेवल था 12,400। वीकली चार्ट बहुत ज्यादा खराब हो गया है, ये जो फॉल आया ना कल उसके वजह से वीकली चार्ट बहुत ज्यादा खराब है। थोड़े दिन मार्केट से दूर रहो, या थोड़े दिन मार्केट में सिर्फ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी करके अपना 1-1.5% निकाल के निकल जाओ, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये शॉर्ट करके भी कमाने नहीं देगा आपको, वोलेटिलिटी इतना ज्यादा करेगा ये, उससे ज्यादा मैं तो प्लान कर रहा हूँ थोड़े दिन मैं कमोडिटी करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। और इक्विटी में सिर्फ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि ऐसे फॉल में ना डायरेक्शन कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। कॉल शॉर्ट करने में भी डर है, आपको हेजिंग करके ही करना पड़ेगा, और पुट को तो आप हाथ लगा भी नहीं सकते। अभी मैंने कुछ स्टॉक्स ढूंढे हैं जो कि मुझे लेना है एज अ पोर्टफोलियो में। एक तो है ये एसआरएफ मैं जरूर लूंगा, 1800-1900 के आसपास अगर ये मिलता है। 1800-1900 के आसपास एसआरएफ बहुत अच्छा बाय लग रहा है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट दिखा, मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। तो अगर ये 1800-1900 के आसपास मिलता है ना, इट्स अ परफेक्ट बाय एसआरएफ का। और बीएसई अगर 500 के अंदर मिलता है तो परफेक्ट बाय है, 500 के आसपास बेस्ट बाय है। तो वीकली चार्ट थोड़ा सा खराब लग रहा है ना, मंथली चार्ट भी खराब हो चुका है सर। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लो, ज्यादा बेटर है। मार्क्सन फार्मा चेक करते हैं। बट अभी फिलहाल आपका एक लिस्ट बना लो पोर्टफोलियो का, जो आपको स्टॉक्स लेने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनाया हुआ बीएसई है, SRF है, ICICI बैंक है, ये सब लेना है, ठीक है। ये लिस्ट बना लो आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मार्क्सन फार्मा तो यहाँ तक मुझे लग रहा है 35 तक आ जाएगा। ये 30 से लेके 35 के रेंज में काफी अच्छा बाय रहेगा मार्क्सन फार्मा, क्योंकि सबका मंथली चार्ट बिगड़ चुका है अभी। ये यहाँ तक आएगा 4,600 तक, बजाज फाइनेंस 4,600 तक आएगा बजाज फाइनेंस, तभी लेना चाहिए। हाँ पता है मुझे रिलायंस रेजिस्टेंस ले रहा है, इसलिए तो मैंने बाय नहीं दिया ना, बाय आ रहा था फिर भी मैंने बाय नहीं दिया। 4,600 तक लग रहा है ये बजाज फाइनेंस, इतना तक आ सकता है ये लेवल तक, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी फिलहाल कुछ मत लो, थोड़ा सा वेट कर लो। क्योंकि हमें नहीं पता अभी कितना फॉल आने वाला है। यहाँ से मिनिमम 1,000 पॉइंट तो निफ्टी लग रहा है नीचे, ऑब्वियसली ये 1 हफ्ते में नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम लग रहा है उतना नीचे। पहला कैंडल इसने बुलिश बनाया, पहला बुलिश बनाया, देखते हैं। आवरली चार्ट ही प्लॉट करते हैं, ज्यादा बेहतर है। दो 3 मिनट और वेट करते हैं, फिर अगर कोई स्टॉक में ट्रेड मिलता है तो देखते हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी में कुछ आना स्टार्ट हुआ प्रॉफिट, थोड़ा बहुत एमटीएम आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रीमियम अच्छा है तो एमटीएम मिलेगा आपको बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी में। चेक कर लो जरा, प्रीमियम अच्छा है, थोड़ा बहुत ही एमटीएम मिलना चालू हो गया होगा। हाँ भले ही 500-600 रुपया मिल रहा है, लेकिन मिलना स्टार्ट हुआ होगा बिकॉज प्रीमियम अच्छा है उसमें।
सेल आ रहा है क्या? सेल तो ऐसे भी कुछ मेजर स्टॉक्स भी नहीं आ रहा थे, कुछ परफेक्ट स्टॉक्स आ जाए। टाटा मोटर पेट्रोनेट सेल है, गुजरात गैस सेल है, पेट्रोनेट सेल है, विप्रो 413 आ चुका है। विप्रो तो आधा हो गया एक्चुअली, बाय में तो कुछ है नहीं, सेल में ही है, विप्रो है, विप्रो तो आधा हो चुका है। ये डेली पे अपना ये कैंडल बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है, जो तो कैंडल है ना बड़ा वाला, जो कल रेड कैंडल बना ना, इट्स अ वेरी बिग हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल है। ये ब्रेक डाउन कैंडल है एक्चुअली। मिस्टर देवेनवार, कल वाला वो नेचुरल गैस का ट्रेड मिला था ना, व्हाट्सएप मिला होगा ना? आई होप आपको प्रॉपर मैसेज मिल गया होगा। भाई में सिर्फ रिलायंस है और कोई स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि समझदारी नहीं है यहाँ पर बाइंग करने, मार्केट कभी भी घूम सकता है। पहला कैंडल 30 मिनट के इसमें बुलिश बना दिया, सॉरी सॉरी। IRCTC, IRCTC तो और नीचे था, ऑलरेडी 600 रुपए के अंदर आ चुका ना IRCTC। IRCTC ये लास्ट लेवल है, इसके बाद तो अगर गिरेगा तो कुछ भी आ सकता है, 400 रुपए भी आ सकता है। IRCTC से तो अभी बढ़ना चाहिए वरना तो ये 400 रुपये भी आ सकता है। पर निफ्टी बहुत खराब लग रहा है, निफ्टी अगर 15,500 15,600 का लेवल क्रॉस नहीं करता ना, ये देखो ना अभी 15,600 मतलब दीवार बन चुका है निफ्टी के लिए, बहुत बड़ा दीवार बन चुका है 15,600। ऐसे मार्केट में आपको सिर्फ थोड़ा फंड हाथ में रखो, अच्छा स्टॉक्स नीचे में मिल जाएगा। अगर लेट से BSE आप 500 रुपये में लेते हो, SRF आप 1,800 रुपये में लेते हो, तो वहां से पैसा डबल होने के चांसेस 6 महीने में साल भर में वो ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैसा हाथ में रखो, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी करो, एक एक डिजिट 1% 1.5% पर वीक का टारगेट करो, अभी फिलहाल यही करो बस। नीचे में जब मार्केट अच्छा मिलता है ना तो ये 1,800 ये 500 लेवल के आसपास हम लोग लेंगे तब। कॉमोडिटी करते, इक्विटी रहने देते हैं। हाँ वो भी है कॉमो, मैं तो वही बोल रहा हूँ, कॉमोडिटी करेंगे वो ज्यादा बेटर है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। पर नेचुरल गैस में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट आ गया।
जाएगा अभी और जाएगा, डेली चार्ट तो और खराब लग रहा है, डाउन ट्रेंड बहुत ज्यादा है इसमें, कैंडल बना है ना बहुत ज्यादा भयंकर कैंडल बन रहा है। ये जब तक, हाँ ऐप अपडेट कर लो मिस्टर अंसर, अलाइज ब्लू का ऐप नहीं चल रहा था, मैंने तो वेब बेस में लिया था, लैपटॉप लॉगिन था मेरा, लैपटॉप में लेता हूँ मैं तो ट्रेड, ऐप को ऐप उसको अपडेट करना पड़ेगा तो ऐप चलता है। ऐप को अपडेट कर लो, यहाँ से और निफ्टी नीचे लग रहा है, पॉसिबल है 14,800 14,500 तक आ सकता है। हाँ वेब नया वाला आया, बराबर है, वेब एंड वेब नया वाला है, एक मिनट स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कोई नया स्टॉक आया है क्या, बाकी तो लग नहीं रहा है कुछ। डॉक्टर रेड्डी भी गया, फार्मा स्टॉक्स भी जाना चालू हो गए, विप्रो भी जा रहा है, विप्रो तो वीकली में खत्म ही हो चुका है, वीकली चार्ट में तो विप्रो मतलब खत्म हो चुका है, विप्रो टाइटन ब्रेकडाउन है, क्या बात है, क्या भाव हो चुके हैं, कचरे जैसे भाव हो चुके हैं, टाइटन तो 1300 1400 तक लग, इन्वेंट्री था ना इसलिए मूवमेंट फास्ट आया ना, 10-15 रुपए का तो फॉल तुरंत ही आ गया, मैंने मैसेज भी दिया था, मैसेज टाइम पे ही दिया था, ऐसा नहीं है, 6:20 के आसपास मैसेज दिया था मैंने, बट उसके बाद तो फॉल तुरंत ही आ गया एक्चुअली। ये जाएगा बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जाएगा ही, एक पर आज स्टॉक्स का ट्रेड रहने देते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि तो कुछ मतलब नहीं है, सेल करने का कुछ लेवल है नहीं, और बाय करने में क्या है कि इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार तो नहीं है मिस्टर आंसर, निफ्टी में 15 मिनट में, निफ्टी में नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, आप कौन सा देख रहे हो, बना किधर है इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के लिए तो ये रेड कैंडल पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा ना, कहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार नहीं है ये। हाँ बट एक बार के लिए ट्रेड रहने देते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी करते हैं, स्टॉक्स का ट्रेड रहने देते हैं, व्हाट डू यू से, ऑल ऑफ यू एग्री, स्टॉक्स का ट्रेड रहने देते हैं एक बार, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी करते हैं। हाँ कॉमोडिटी कर लेंगे, कॉमोडिटी में सिग्नल आने दो, कॉमोडिटी जरूर कर, बट स्टॉक्स में एक बार ट्रेड रहने देते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट सेटल नहीं है, मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, ये 14,500 15,000 ये रेंज में तो इमीडिएट बेसिस पे लग रहा है, 30 जून तक ही 15,000 के नीचे, मंथली कैंडल भी देखो ना आप, मंथली कैंडल देखोगे तो और आपको बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल लगेगा, देखो ना मंथली में भी कितना बड़ा फॉल आया हुआ दिख रहा है, मंथली कैंडल दिख रहा है कितना खराब है, ये मंथली पे सेल क्रॉसओवर दे सकता है, मंथली पे सेल क्रॉसओवर दे सकता है, ये सोचो क्या हालत होगा फिर, यहाँ तक भी आ सकता है 12,500, ये भी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा खराब है अभी तो, बस यही है कि आप पैसा हाथ में रखो, अच्छा स्टॉक्स आपको नीचे में मिलेगा तब ले लो, यहाँ तक भी आ सकता है ठीक है, 12,400 तक भी आ, हाँ ये गोल्डन लेवल है, ये बहुत बेस्ट लेवल रहेगा मंथली चार्ट के हिसाब से, यहाँ पर तो पोर्टफोलियो बनाना ही चाहिए, 12,500 बेस्ट रहेगा,
तभी लेना चाहिए स्टॉक्स। इसलिए बोल रहा हूँ, तब तक आपके पास पैसा हाथ में होना चाहिए। आपके पास पैसा ही हाथ में नहीं होगा तो कैसे लोगे आप यहाँ पर? कई लोग यहाँ पर फंसा देंगे सब पैसा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आया 15,300 के नीचे आ गया। देखो निफ्टी देखो280 आ गया, दिख रहा है? वापस चालू होगा, सेल ऑफ वापस चालू होगा। 15,000 के नीचे तो इमीडिएट लग रहा है, 14,500 भी आ सकता है 30 जून तक। और अगर वो कंटिन्यू करता है तो जुलाई में या अगस्त तक आपको 12,500 भी दिख सकता है। वीक में 30,500 ना आ जाए, 30,500 आएगा तो भी हमें तो चांस मिलने वाला है ना एग्जिट करने का। सर आंसर, हमें तो 1-1.5% मिलना ही मिलना है। सॉरी, 1-1.5% मिलना ही मिलना है, डोंट वरी। वो तो ठीक है, बट ये गिरने दो, अच्छे से गिरने दो इसको। और गिर रहा है, सॉरी। ओके मिस्टर दिवेनवर, कहीं से भी सस्टेन नहीं कर रहा है। सॉरी, सॉरी। ये जाएगा और एक कैंडल बनाएगा तो जाएगा। इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना रहा है, कुछ मतलब है नहीं। स्टॉक्स में मेरे हिसाब से अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आज भी अवॉइड ही करते हैं, इग्नोर करते हैं, मंडे को देखेंगे। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो, उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। क्रूड ऑयल में आ सकता है बाई सिग्नल, क्रूड ऑयल में लग रहा है बाई सिग्नल आ सकता है। क्रॉसओवर हुआ नहीं है, वेट करो, क्रॉसओवर होने दो, वेट करो, उसके बाद देखिएगा।
अभी थोड़ा एमटीएम बेटर हुआ होगा बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में, चेक कर लो जरा, अभी थोड़ा एमटीएम बेटर हुआ होगा बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी। 300-400 रुपये प्लस है क्या? मतलब इंडिया विक्स बढ़ रहा है इसका मतलब? ठीक है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है। आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलते हैं 2:30 बजे। स्टॉक्स में कोई ट्रेड लिया नहीं है, अगर कोई बिटवीन मिला स्टॉक्स में ट्रेड तो डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। सो हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलते हैं 2:30 बजे।